Hey guys, welcome to today once again, and I'm back with another video of biology lecture 5. In this video we will cover the undone topic of fundamental unit of life, and this video is made by Anuj Joshi. And if you have any query regarding with the CDS exam FCAT or SSB, you can ask your query on the WhatsApp on this number 9045844523, और बेसिकली ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें सिर्फ अपनी क्वेरी पूछें, कोई कॉल ना करें. एंड जो लोग अपनी नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं बट स्टिल दे हैव अ क्वेरी, दे कैन मेल मी टू, एंड माय ईमेल एड्रेस इज anuj1234joshi@gmail.com. जो आज ये वीडियो सबसे पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता दूँ कि मैंने सबसे पहले एफ कैट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका अगस्त में, है ना, 18th of August और 19th of August को, तो उसके लिए मैंने क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया था एफ कैट वालों के लिए. तो जो उसी तरह में जो सी डी एस का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए भी मैंने वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ. तो सबसे पहले अगर जो लोग आप जुड़े हुए हैं, सबसे पहले वो जाके सी डी एस की स्ट्रैटेजी देख लें, आपको इस चैनल में मिल जाएगी स्ट्रैटेजी ऑफ सी डी एस, ठीक है ना. तो एक्चुअली में मेरा बेसिकली स्ट्रैटेजी, मैं और लोगों की तरह हर चीज़ की स्ट्रैटेजी नहीं बनाता हूँ, बस एक स्ट्रैटेजी रहती है और उसी स्ट्रैटेजी पे हम वर्क करते हैं. एंड बेसिकली द स्ट्रैटेजी जस्ट टेल्स अस दैट व्हाट शुड बी अप्रोच टू क्रैक एन एग्जाम, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उस वो बातें डिस्कस करेंगे. तो जो भी सी डी एस की वीडियो आज ही देख रहा है, तो प्लीज़ हमली रिक्वेस्ट टू देम, प्लीज़ पहले जाइए स्ट्रैटेजी देखिए सी डी एस की, एंड देन कम बैक. ओके, तो बता देता हूँ, मैंने बायोलॉजी के लिए 4 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है ना, और ये 5वां है, ठीक है ना. इसी तरह मैंने इंग्लिश की मैंने 3 लेक्चर डाले थी. बेसिकली मैंने कहा भी था जिन लोगों को पसंद आ रही है, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करो, तो मैं कंटिन्यू करूँगा. अदरवाइज जो इंग्लिश के लेक्चर बना रहे हैं वो अभिषेक सर बना रहे हैं आप लोग, ठीक है ना. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और तभी जाके मैं जो इंग्लिश की सीरीज़ है वो कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा. और इंग्लिश की जो मैंने बनाई है सीरीज़, वो बनाई है पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर, 3 लेक्चर डाले हैं मैंने पार्ट ऑफ स्पीच. और क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, पहले हमें बेस मजबूत करना है, फिर जाके हमें अपने ऊपर का महल खड़े करने होता है ना. जब आप घर बनाते हो तो पहले आप बेस को अच्छी तरीके से बनाते हो, उसको 3-4 महीनों के लिए छोड़ देते हो ताकि उसका बेस ऑटोमेटिकली मतलब मजबूत हो जाए, है ना, तब जाके आप उस पर घर बनाते हो. ऐसे तो नहीं करते हो कि बेस खड़ा किया और सीधे घर बना लिया. तो बेसिक्स, बेस क्या होता है, मस्ट होता है, उसी तरह मैं बेस बनाता हूँ. तो मैंने इंग्लिश के लिए बनाए थे पार्ट ऑफ स्पीच. अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिए कि सर इंग्लिश के वीडियो बनाएं, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा इंग्लिश के लेक्चर. इंग्लिश के लेक्चर अभिषेक सर बना रहे हैं आप लोगों के लिए, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं. अभिषेक सर ने आप लोगों के लिए वकैब और ग्रामर रूल से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहे हैं. अगर आपको और अच्छे से चाहिए तो आप लोग मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि इंग्लिश के लेक्चर को कंटिन्यू रखें, और मैं उसे कंटिन्यू रखूंगा. बाकी जीएस का पोर्शन और मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना. तो जीएस के पोर्शन में हम सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम साइंस खत्म करेंगे क्योंकि साइंस का सबसे छोटा टॉपिक है. बाकी जो टॉपिक है वो थोड़े लंबे लंबे हैं, और मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी जाके देखें तब आपको समझ आएगा कि मैं ये सब क्यों करवा रहा हूँ. तो 4 मैंने बायोलॉजी के डाल दिए हैं, 3 इंग्लिश के डाल दिए हैं, और 1 एडवांस मैथमेटिक्स से मैंने डाला है. इंग्लिश की जो वकैब और ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो अभिषेक सर करवा रहे हैं, ठीक है ना. और जो लड़के कह रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो सून, वेरी सून दे विल, जैसे ही अरुण सर फ्री होंगे वो आप लोगों के लिए करंट अफेयर डालना शुरू कर देंगे. अदरवाइज मैं जरूर डालूंगा, अरुण सर तो डालेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर में आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है ना. क्योंकि पढ़े तो अगर आप पढ़ना होगा तो आप पे 1000 बुक हो जाएंगी, ठीक है ना. ऐसा नहीं है, बुक तो बहुत अच्छी अच्छी होती है और बुक से सारा ज्ञान मिल जाता है इंसान को, तो कभी टीचरों की जरूरत पड़ती ही नहीं. इस बात को थोड़ा एक्सेप्ट करें, ठीक है ना. तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे. तो जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं एक बात ही बोलूँगा, जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमने रिक्वेस्ट पहले जाके 4 पार्ट्स को ख़त्म करें, इंग्लिश के पार्ट्स देखें, ठीक है ना, और तब जाके वापस आए. क्योंकि जो बीच में जो बातें उठेंगी वो आपके पल्ले नहीं पड़ेंगी कि क्या हो रहा है. अगर आप आपने थोड़ी सी भी तैयारी नहीं की है तो आपको हवा नहीं लगेगी कि क्या हो रहा है. तो बेटर यही रहेगा कि आप जाके पहले 4 कंप्लीट करें और एक सीरियल वाइज अपने नोट्स बनाते हुए चले वीडियो के थ्रू, ठीक है ना. तो आइए, तो ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है, कृपया मुझे ज्ञान न दे, मेरा अपना ही संभाला जा रहा. ये आप लोग उन लोगों को बोलेगा जो आपको हमेशा नेगेटिव करते हैं, क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, चाहे वो आपके मदर फादर हों, ठीक है ना, आपको कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, आपके रिलेटिव हों, आपके अड़ोस पड़ोस, नेबर, वट एवर,
है ना, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, उसको बस चुपचाप उससे ये बोले कृपया मुझे अपना ज्ञान ना दें, मेरा अपने नहीं संभाला जा रहा, वट एवर, है ना। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, तो मेरी मदर भी मुझे बोलती थी कि आर्मी की भर्ती ट्राई मान ले या वो मान ले, लेकिन मैं अपनी लाइफ में अड़ा रहता था कि नहीं मुझे तो ऑफिसर ही बनना है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब मैं शायद वहाँ सुन लेता तो मैं आज कहीं और होता, मैं यहाँ तक इतना नॉलेज और इतनी चीज़ें नहीं लेके आ पाता अपनी लाइफ में। एटलीस्ट मैं अभी रिकमेंड नहीं हुआ हूँ, बट एटलीस्ट मुझे सेटिस्फाई है कि हाँ मैंने उसके लिए मेहनत की थी और मैं इतनी बार SSB गया हूँ, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा कि FCAT का जो पेपर निकला उसमें फिर से मेरा सिलेक्शन हो चुका है, और CDS के और FCAT के मैं NDA का निकाल चुका हूँ। तो मैंने ये रहा कि मैंने किया है, मैंने कभी हार नहीं मानी, ठीक है ना। अब लेट नोबडी क्लेम देयर डेस्टिनी, कोई अपनी डेस्टिनी क्लेम नहीं कर सकता कि एक्चुअली में रियल में कहाँ मेरी डेस्टिनी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बस मेहनत कर सकता हूँ मैं ये जानता हूँ। और मैं आपको भी यही बोलता हूँ कि आप लोग मेहनत करते रहें, ये ना सोचें कि यार मेरा नहीं हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप डाउट क्यों करते हो अपने आप पर, डाउट करने की जरूरत है ही नहीं, आप बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, और ये सोचो हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, है ना। अपने पे डाउट क्यों करते हैं, आधे ज्यादा सर मेरा FCAT का रिजल्ट नहीं निकला, अरे यार FCAT का रिजल्ट चले गया खत्म, दैट्स फाइन, नहीं हुआ ओके आगे बढ़ो यार, है ना। क्या वहीं पे खड़े होकर अपनी जिंदगी वहीं बिता दोगे क्या, FCAT का रिजल्ट नहीं हुआ वहीं रखे वो कर दोगे क्या, नहीं करोगे ना। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप एक, चलो आप एक एक दिन आपने बेड रेस्ट लिया, क्या आप पूरे दिन बेड रेस्ट लोगे क्या, नहीं लोगे ना, आगे जाके एक्टिव करोगे, कुछ खाओगे पियोगे। तो इस तरह से समझे, कुछ चीज़ आपसे नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पे खड़े होकर बस रोने लग गए, हाँ मेरा FCAT का रिजल्ट खराब हो गया, ये हो गया, जस्ट लीव इट, है ना। CDS का एग्जाम है आगे, CDS का एग्जाम के लिए तैयारी करो। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पे डिपेंड नहीं करता है, आपके प्रेजेंट में डिपेंड करता है कि आप अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो अपने प्रेजेंट को करो, जो अपने फ्यूचर देखो, पास्ट तो गया, गया वाली चीज़ों से कुछ नहीं मिलता, आगे देखो और आगे बढ़ते रहो। तो जो भी आपको नेगेटिव करें, सबसे पहले तो उसको घर अपनी अपनी ज़िंदगी से बाहर करें, नेगेटिव थॉट्स ना आने दें, अपना पे डाउट क्रिएट करना बंद करें, ठीक है ना। और जब भी आपको डाउट हो तो एक ही बात कहें, मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूंगा और मैं करके दिखाऊंगा सबको, जो आपको नेगेटिव बोल रहे हैं ना उनको दिखाना है कि दैट आप ऐसे कोई निठल्ले नहीं हो, आप पे कोई डाउट वो नहीं है, आप पे क्वालिटी है, यू हैव क्वालिटी। और उस चीज के लिए सबसे पहले चाहिए बिलीव, खुद पे बिलीव। सब तो डाउट कर रहे हैं तो बिलीव कौन करेगा आप पे, आप यू आर द ओनली वन हु कैन बिलीव, जो खुद पे बिलीव कर सकता है, ठीक है ना। इस बात को समझे मेरी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और मोटिवेट रहें अपना पे, नेगेटिविटी को हावी मत होने दें, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना मोटिवेशन काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जो हमारी थी उसमें हमने मैंने आपको बता दिया था कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। शायद मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है ना, और साइटोप्लाज्म वगैरह पढ़ा दिया था, वेकल्स और लाइसोसोम्स भी पढ़ा दिए थे, प्लास्टिड्स भी पढ़ा दिए थे शायद, ठीक है ना। मुझे अभी याद नहीं आ रहा था ढंग से कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको। तो साइड से प्रोक्सिसोम्स और ग्लैक्सिसोम्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल और गोल्जी और माइटोकॉन्ड्रिया छूटा हुआ था। अगर इससे रिगार्डिंग मैंने कुछ और चीज़ छोड़ी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, है ना। बाकी मैंने अपनी तरफ से मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस देखेंगे तो गोल्जी अपरेटस को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो गोल्जी अपरेटस आप देख पा रहोगे, मैं आपके लिए यहाँ पे पेन से कर देता हूँ, यह मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया, ये आपका गोल्जी अपरेटस है। और ये इधर गोल्जी अपरेटस को आप थोड़ा सा देखिए कि ये जो ऊपर है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैं यहाँ से डिफाइन करूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपने प्रीवियस चारों की चारों वीडियोज देखी होंगी और चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं तो आपको समझ आती रहेगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक के जस्ट थोड़ा सा कनेक्शन होता है किसका, गोल्जी अपरेटस का थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द ऑफन, मैं ये कह सकता हूँ, ये नहीं कहूँगा कि हमेशा रहेगा, लेकिन ऑफनली बोल रहा हूँ। ऑफनली क्या होता है कि जो इसका कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। अब इस पोर्शन को मैं किस तरह से लेके आ गया, इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया, ये आप देख पा रहे होंगे कि गोल्जी अपरेटस यहाँ पे, ये रहा गोल्जी अपरेटस, ऊपर देखिए यहाँ पे ये गोल्जी अपरेटस है और ये कुछ ऐसे रहता है, और ये किसके साथ जो कनेक्शन रहता है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ रहता है। अब देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि जो मेम्ब्रेन का ये भूल भुलैया टाइप की होती है, जो पजल टाइप की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। आप सिस्टर्ने देख पा रहे होंगे, ये यही हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइम पे भी पढ़ा था, इसे हम सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है इसमें, वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स क्या होते हैं बेसिकली, ये क्या होते हैं यहाँ पे मैं बताता हूँ एक्चुअली में होता क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा वेसिकल्स वगैरह के बारे में कि वेसिकल्स क्या हुए और
ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये वेसिकल्स आ रहे हैं यहाँ पे। वेसिकल कुछ नहीं होता है, जैसे कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, उसको क्या होता है वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जहाँ से ये आएंगे और ये यहाँ से वेसिकल्स बाहर आएंगे। तो अब वेसिकल्स के बारे में, वेसिकल्स है क्या वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उससे पहले हम देख लेते हैं गॉल्जी अपैरेटस है क्या और क्या कर रहा है गॉल्जी अपैरेटस, ठीक है ना। तो गॉल्जी अपैरेटस का मेरे भाई देखो होता क्या है, जो लोग इससे पहले वाली वीडियो देख चुके होंगे उसमें मैंने आपको ये जरूर बताया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइम पे कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या एक्चुअली में होता क्या है, कि जब न्यूक्लियस रहता है न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर पोर से कोई भी चीज़ जो न्यूक्लियस को क्या करना है, अगर आप, मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा तो न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि न्यूक्लियस क्या करता है, पूरी की पूरी जो सेल होता है उसकी मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, कंट्रोल करता है। और मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म क्या होती है, कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्या होती हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, जीने के लिए क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होती है, वो केमिकल एक्टिविटीज को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस कंट्रोल करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी अपनी न्यूक्लिक एसिड वगैरह जितनी भी चीजें होंगी वो सब ट्रांसपोर्ट करनी होंगी आउटसाइड द सेल और या इनसाइड द सेल, है ना। यहां से चीजें भेजनी भी होंगी आउटसाइड सेल, मतलब कोई इंफॉर्मेशन सेल से बाहर भेजनी है कहीं और, है ना, जैसे जेनेटिक लगा दिया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बता चुके हैं पूरे के पूरे क्या होते हैं, क्रोमेटीन होते हैं। क्रोमेटीन किसमें कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम्स का अंदर, डिवीजन ऑफ द सेल जब से डिवीजन होता है क्रोमेटीन, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें मैंने आपको जो बता दी हैं, जाके वो आप आशा करता हूँ आपने देखी होंगी सारी की सारी। तो जो भी यहाँ से क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड या कोई भी लिक्विड जो यहाँ से आएगा वो किससे भाई, किसके थ्रू जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आएगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू आया तो वो तो क्या है, एक लिक्विड टाइप का है। अब लिक्विड टाइप का है मेरे भाई, तो जब क्या होगा, लिक्विड टाइप का है तो मैंने आपको बता दिया था कि जब लिक्विड टाइप का है तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी लिक्विड होता है। लिक्विड लिक्विड आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। और उस कंबाइंड की वजह से क्या होगा मेरे भाई, आपका वेल डिफाइन नहीं हो पाएगा ना, चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी जहां तक न्यूक्लियस एक्चुअली में भेजना चाहता है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से क्या होगा भाई, चीजें वो नहीं हो पाएंगी, क्या बोलते हैं, पहुंच नहीं पाएंगे जहां तक रियल में उसको जरूरत है साइटोप्लाज्म में, अगर मिल गया तो इस वजह से। यार मैंने आपको क्या बताया था, साइटोप्लाज्म से बचाने के लिए क्या जरूरी है, आपकी मेम्ब्रेन जरूरी है। मतलब जो भी चीज यहां से कोई लिक्विड आएगी, उसी जो लिक्विड आएगी, ठीक है ना, कोई भी लिक्विड आया तो उस लिक्विड को कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन की जरूरत है कहीं पे और पहुंचने के लिए, ठीक है ना, कैसे पहुंचने के लिए। अब एक अगर आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, तो आपने कभी पुदीना, पुदीन हरा आता है वो पेट की जो कब्ज कुब्ज के लिए आता है ना, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता, जब मैं छोटा था तब तो आता था, एक पुदीना हरा नाम की दवाई आती थी। तो वो क्या होता था, बाहर से ग्रीन ग्रीन कलर की होती थी और बाहर से एक पॉलीथीन टाइप की सीड्स होती थी और अंदर क्या होता था, उसका लिक्विड होता था, ठीक है ना। तो उसी तरह समझे, तो अब क्या होगा, उसी को हम वेसिकल्स बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे से जब न्यूक्लियस ने वो लिक्विड भेजा, तो अब उस लिक्विड को कुछ ना कुछ तो चाहिए होगी भाई से पैकिंग। तो बेसिकली जो पैकिंग करेगा वो कौन करेगा, आपका पैकिंग जो करेगा वो करेगा आपका गॉल्जी अपैरेटस। इसका काम ही है क्या करना, पैकिंग और मॉडिफिकेशन। क्या इसका काम, पैकिंग और मॉडिफिकेशन, ये इसका मेजर फंक्शन है। अब जो लिक्विड आएगी वो लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पे से अंदर आएगा, इसके बाहर से क्या होगा, वो किसने किसकी प्रोटीन की क्या करेगा भाई, प्रोटीन की वो करेगा, इसके बाहर से क्या करेगा आपका एक पैकिंग करेगा और पैकिंग करके बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। वो क्या कर देगा, न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स अब क्या करेगा, यहाँ से बाहर भेज देगा। वो बाहर जाते जाते क्या हो जाएंगे, दूसरी जो ऑर्गेनेल्स है उनको वो चीजें मिल जाएगी जो न्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म के कंट्रोल करना चाहता है। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी न्यूक्लियस भेजेगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गॉल्जी अपैरेटस में आएगा। गॉल्जी अपैरेटस क्या करेगा, उस चीज को क्या करेगा, उसके उसके बाहर से कवरिंग देगा, और कवरिंग देने के बाद, ठीक है ना, कवरिंग देने के बाद क्या होगा, वो या तो सेल से बाहर निकलेगी या फिर सेल के अंदर आएगी। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, है ना, समझ गए ना। यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे एक्सोसाइटिस और एंडो सिटोसिस, एंडोसिटोसिस एक्सोसाइटिस, ये प्रोसेस हो गई कि बाहर निकालना और अंदर डालना, ये सब डिपेंड करता है किसी तरीके से किस तरह से कवरिंग की जाती है। तो बेसिकली जो जो भी पैकिंग का काम है, मॉडिफिकेशन का काम है, वो कौन करता है, गॉल्जी अपैरेटस करता है। इतनी बात समझ आएगी कि क्या क्या मैंने पूरी कहानी सुना दी, एक्चुअली में होता क्या है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बताता रहता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले चीज गॉल्जी, अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे हम, थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचेंगे कि अगर गॉल्जी अपैरेटस नहीं होता, अगर गॉल्जी अपैरेटस नहीं होता तो पैकिंग नहीं होती, पैकिंग नहीं होती तो जितना भी लिक्विड होता वो सारा सेल के अंदर फैल जाता, और सारा सेल के अंदर अगर लिक्विड फैल जाए तो वो कौन से होते हैं, बैक्टीरिया टाइप के सेल्स होते हैं। बैक्टीरिया टाइप के सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन्स वेल डिफाइंड नहीं होती है भाई, जितना भी लिक्विड आएगा वो सारा फैल जाएगा, और जितना भी फैल जाएगा वो सारा का सारा किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गॉल्जी अपैरेटस होंगे कहाँ अब्सेंट होंगी, अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब कारण आप समझ गए होंगे कि क्यों है भाई,
प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट क्यों होती है। तो गोल्जी अपरेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, रीजन मैंने आपको दे दिया है कि ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लड़ाना है, जिन लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखी हो जाके वीडियो जरूर देखें। तो मैं आपको नोट लिखा देता हूँ कि इसके नोट्स क्या क्या है। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले नोट्स लिखा था, तो मैंने कहा कैमिलो। अच्छा पहले याद रखना, कैमिलियो कैमिलियो गोल्जी ने इसको ढूंढा था। एक्चुअली में कैमिलो गोल्जी ने इसको ढूंढा था, तो ये इसी के नाम पे इसका नाम गोल्जी अपरेटस डाला था, ठीक है ना। इसी के नाम पे इनका क्या डाला था, गोल्जी अपरेटस नाम डाला था, अदरवाइज कैमिलो गोल्जी ने इसको ढूंढा था। और मैंने क्या बताया, सबसे पहली चीज क्या बताई कि ये क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसका कनेक्शन रहता है, तभी तो जो भी चीज आएंगी वो सारे की सारी किसमें भेजेगा भाई, पैकिंग करके भेजेगा। तो ये है दीज मेम्ब्रेन्स, मैं आपको लिखा देता हूँ दीज मेम्ब्रेन्स, बाकी आपको पता ही है मैंने सब कुछ बता रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव अ कनेक्शन, ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईयर। अच्छा भाई एक और चीज, अगर ईआर के साथ इसका कनेक्शन है तो जो भी क्या होती है भाई, ईआर में क्या होता है आपको पता ही होगा, आरईआर में क्या होता है भाई, आपकी क्या होते हैं राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन, अब मैंने आपको बता दिया था कि सेल में भाई कोई भी अगर ऑर्गेनली काम कर रही है तो उसको किसकी जरूरत होगी, प्रोटीन, प्रोटीन की जरूरत होगी। अब प्रोटीन की जरूरत होगी तो प्रोटीन को यहाँ आरईआर से उसको भेजना है पूरी बॉडी के अंदर, सॉरी पूरी ऑर्गेनलीज में भेजना है प्रोटीन काम कराने के लिए। अब अगर प्रोटीन नहीं आया मेरे भाई तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं आया तो प्रोटीन मतलब दूसरी जगह में ऑर्गेनेल में जाए तो वो काम नहीं करेंगी, और काम नहीं करेगा तो भाई सेल मर जाएगा थोड़े देर, उसमें मेटाबॉलिज्म की वो प्रोसेस नहीं होगी। तो इस वजह से जो प्रोटीन है उसको बॉडी में भेजना है प्रोटीन, अब साइटोप्लाज्म तो नहीं जा सकता ना प्रोटीन, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे पैकिंग होती है उसकी गोल्जी अपैरेटस में, और तब जाके प्रोटीन क्या भेजा जाता है। तो इस तरह से ये भी समझे कि या तो न्यूक्लिक एसिड उसे वगैरह वगैरह भेजना है, या फिर उसे प्रोटीन सिंथेसिस भेजना है बॉडी को, सॉरी सेल को, और सेल को भेजना है तो पूरा का पूरा क्या भाई पैकिंग पुकिंग तो चाहिए ही, नहीं तो वो साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा। तो इतनी बात समझे कि दिस मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव अ कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ द ईआर, ठीक है ना। एंड है क्या ये कंस्टिट्यूएंट्स है, किसकी कंस्टिट्यूएंट्स, अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन। एक तो आपका क्या हो गया भाई, एक दूसरा अनदर पोर्शन कौन सा, पहला पोर्शन कौन सा हो गया आपका, पहला हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है दूसरा अनदर सेलुलर मेम्ब्रेन, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। मैंने अगर आपने ईआर पढ़ी हो तो उसमें मैंने आपको बताया होगा। और तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ भाई, इसमें क्या करता है ये, एक्चुअली में इसका मेन जो चीज है ये आप याद रखेंगे, मैं आपके पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आप इसे याद रखें, द मेटीरियल सिंथिसाइज, इसका जो मेनली वो काम है, ठीक है ना, मेटीरियल सिंथिसाइज्ड, मेटेरियल सिंथिसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है भाई, जितना भी चीज बनेंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास उसको क्या करेगा, इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड। समझ रहे होंगे आप कि क्या करता है, पैक करता है और डिस्पैच कर देता है पूरे टू द वेरियस, टू द वेरियस टारगेट्स, बेसिकली टारगेट दैट ऑर्गेनेली कहेंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनेलीज और टारगेट ऑर्गेनेल्स एंड आउटसाइड द आउटसाइड सेल थ्रू गोल्जी। मैं जी ए लिख लेता हूँ, गोल्जी अपरेटस को आप लिख लेगा, ठीक है ना। तो ये पता चल गया कि भाई इसका काम क्या है, मेजर काम क्या है इसका, जितनी भी चीजें हैं वो ट्रांसपोर्ट करना मतलब पैकिंग करके और डिस्पैच कर देना ताकि वो पूरी पूरी सेल में सारी ऑर्गेनेल्स को मिल जाए चीजें, ठीक है ना। और बेसिकली अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूँ, इसका फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन हमें देखना जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्टोरेज, है ना, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन और क्या, मॉडिफिकेशन के बाद क्या भाई, पैकिंग, पैकिंग, पैकिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। वेसिकल्स मैंने बता दिया आपको कि कोई भी चीज होगी कंटेंट, उसके एक पुदीना हरा जैसे लिक्विड है ना, उस लिक्विड को एक पॉलीथीन के अंदर भर देना छोटी सी उसके, और तब जाके ये पॉलीथीन क्या करेंगी आपकी सेल्स वगैरह में जाएंगी, ठीक है ना। तो इस बात की चीजें समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वेसिकल्स क्या होगी, वेसिकल्स ही बोलेंगे इन्हें, ठीक है ना, जिसके अंदर पूरा का पूरा लिक्विड कंटेंट है, उसके बाहर से एक मेम्ब्रेन बना दी गई ताकि उसे क्या करें साइटोप्लाज्म में फ्लो करा के कहीं और भेज दिया जाए, ठीक है ना। तो
स्टोरेज हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स एंड द वेसिकल जो है वो पूरे की चली चलाती है, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसी गॉल्जी अपरेटस के काम की। तो कभी कभार क्या कहता है, ये हेल्प्स करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड्स। मैंने आपको बता दिया था लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, एक फैट की फॉर्म होती है। लिपिड्स क्या होती है भाई, फैट की एक फॉर्म होती है, फैट्स फॉर्म, ठीक है ना। अब लिपिड्स आप देखो, जैसे भाई आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं अपने आगे की, अपने के आगे की प्रोसेस करने के लिए, वो मैंने आपको बता रखा है। दूसरी चीज मैंने बताया था प्लास्टिड्स होते हैं, वो उनके पास भी अपने राइबोसोम्स होते हैं अपने आपको फॉर्मेशन करने के लिए। उसी तरह इसके पास क्या होता है, ये क्या करता है लिपिड की, लिपिड्स की भी फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि उसे वेसिकल्स के बाहर मेम्ब्रेन वेम्ब्रेन बनानी है, तो वो क्या हो गया फैट्स वगैरह होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना मेम्ब्रेन बनाने के लिए लिपिड के फॉर्मेशन भी करता है। इतनी बात समझ आ गई नहीं आई, ठीक है। और एक और चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपसे पूछ ले कि भाई लाइसोसोम्स कौन बनाता है, तो लाइसोसोम्स भाई देखो एंजाइम जो, अगर सपोज जो मैंने क्या कहता है प्रोटीन क्या होते हैं एंजाइम्स बनाते हैं, प्रोटीन क्या होता है एंजाइम्स बनाते हैं, और लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं। तो भाई लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स कहां से आएंगे, लाइसोसोम के होते हैं एक बॉल होती है, तो मतलब जो गॉल्जी अपरेट होता है वो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में भी, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स में भी हेल्प करता है। किसमें करता है भाई, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी, फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब मैं आपको दोबारा ले जाके दिखा दूं, आ जाओ यहाँ पे देखो, ये देखो मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे से आया, यहाँ पे वेसिकल्स में उसने एंजाइम्स भरा, एंजाइम्स करके उसको यहाँ भेजा और यहाँ पे आके भेज दिया, और यही क्या हमारा लाइसोसोम्स है, दिख रहा है आपको। इसने क्या किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे से भरा और यहाँ डाल के लाइसोसोम बना दिया। तो फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि पूरी की प्रोसेस, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स भी कौन करता है, गॉल्जी अपरेटस करता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छा मैंने अगर आपसे पूछूं कि ये प्रोडक्ट पैकिंग किसकी करता है भाई, पैकिंग किसकी करता है, मैंने बता दिया आपकी, किसकी करेगा पैकिंग, ये करेगा प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स की और किसकी लिपिड्स की पैकिंग करता है, ठीक है ना। प्रोटीन और लिपिड, लिपिड इज अ फॉर्म ऑफ द, लिपिड इज अ फॉर्म ऑफ द फैट, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ है ऐसे बताने के लिए, नहीं इतना काफी है आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है देखो भाई सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको पहले माइटोकॉन्ड्रिया सेल के टर्म्स में दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये ओवल शेप की, पहले इसका शेप कैसा होता है ओवल, ठीक है ना, इसका शेप क्या होता है ओवल शेप की होती है ये। और ये बेसिकली अभी और चीज बात करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स है और ये ओवल शेप की होती है, और ये करती क्या है, इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई अब सेल क्या है, पावर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है एनर्जी बनाती है हमारे लिए, एनर्जी क्या करती है एनर्जी फॉर्म करती है। एनर्जी जो भी फॉर्म होगी वो किसके अंदर फॉर्म होगी, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। और एनर्जी जो फॉर्म होते हैं मतलब एनर्जी जो बनती है वो बनती है एटीपी की फॉर्म में, है ना। एटीपी क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है ना, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। तो एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है एटीपी, और फिर ये ब्रेक डाउन होती है, अब ब्रेक डाउन करके हमें मिलती है एनर्जी। जब ये एटीपी ब्रेक डाउन होता है तब जाके हमें मिलती है एनर्जी। तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्मेशन करता है हमारे लिए। और एनर्जी जो फॉर्मेशन होती है किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है, और एटीपी की फॉर्म में होती है, और एटीपी जब ब्रेक डाउन होती है देन वी गेट द एनर्जी, हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है, ठीक है। बात समझ आ गई, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम जैसे देखते रहेंगे। देखिए भाई सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आप देख पा रहे होंगे आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्रिस्टे, ठीक है भाई, क्रिस्टे जंक्शन क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ये अंदर ऐसे मुड़ी हुई चीजें हैं, तो इनके बीच में जो ये फिंगर लाइक गैप बन रहा है, जो फिंगर लाइक गैप बन रहा है इसे हम बोलते हैं क्रिस्टे जंक्शन, ठीक है ना भाई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। और यहाँ पे बिंदु 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 देख रहे होंगे, तो ये क्या है राइबोसोम्स भी हैं, राइबोसोम्स। और इसी में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसी चीजें पड़ी रहेंगी जिसे हम बोलते हैं डीएनए। ये क्या होता है, डीएनए होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आपका
माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना डीएनए भी होते हैं, दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स विच जस्ट सिंथेसाइज द प्रोटीन, ठीक है ना, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, उसके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है, और प्रोटीन भी है, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, एक जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया में डिवाइड कर सकता है, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद भी माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना भाई, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे आप मैट्रिक्स भी देख रहे होंगे, क्वेश्चन ये भी आ रहा है मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स में बताता हूँ मैट्रिक्स क्या है, आपका जो भी फ्लूइड होगा है ना, जो भी फ्लूइड होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। सबसे पहले आपने क्या सीखा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैं जो एक नोट्स बना लेता हूँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैं लिखता रहता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो माइटोकॉन्ड्रिया 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 में पहले कैसा शेप शेप बता दी इसके, तो शेप हो गई इसकी ओवल शेप, ठीक है ना, क्या हो गई इसकी ओवल शेप हो गई। इसमें क्या हो गया, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन। अब डबल मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, डबल मेम्ब्रेन को हम देखेंगे अभी। डबल मेम्ब्रेन में आ गई आपकी दो मेम्ब्रेन, एक हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन और एक आ गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। क्या आ गई, एक आ गई इनर मेम्ब्रेन, एक आ गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन। और डबल मेम्ब्रेन हम देख लिया, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। और इसके बाद हमने क्या देखा, और इसके बाद देखा हमने क्रिस्टे ही पढ़ लेते हैं, क्रिस्टे ही देख लेते हैं, क्रिस्टे CRISTAE क्रिस्टे जंक्शन। क्रिस्टे जंक्शन क्या होता है वो भी देख लेंगे, ठीक है ना, मैं आपको समझा चुका हूँ वैसे। और क्रिस्टे जंक्शन के बाद मैट्रिक्स और कुछ बच रहा है इसमें, मैट्रिक्स बच रहा है तो मैट्रिक्स ही देख लेंगे, ठीक है मैट्रिक्स। अच्छा इसमें एक और चीज होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, तो ये आपके मैट्रिक्स हो गई, हमने क्या देख लिया, एक और चीज बताता हूँ, क्रिस्टे जंक्शन मैट्रिक्स और डबल मेम्ब्रेन हो गया, और कुछ बच रहा है क्या, इसमें खुद का डीएनए होते हैं, ठीक है ना, खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है भाई, राइबोसोम्स, ठीक है ना, राइबोसोम्स होते हैं। और डीएनए और राइबोसोम्स का इसका मतलब क्या हो गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितने भी क्या कर सकता है भाई, अपने माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएट कर सकता है, ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, बना सकता है ये, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब भाई ये तो हमने चीजें सीख ली कि क्या क्या चीजें हैं दे रखी और क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिए डबल मेम्ब्रेन। अब हम डबल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ कि डबल मेम्ब्रेन हम क्या क्या बात करेंगे डबल मेम्ब्रेन में, डबल मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन। भाई देखिए जो अगर मैं दोबारा वापस आता हूँ, तो ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया वो है कहाँ भाई, साइटोप्लाज्म की एक ऑर्गेनली है। सबसे पहली चीज तो हमने ये देखी कि वो क्या है, ऑर्गेनली है। तो ऑर्गेनली मैंने आपको बताया था कि भाई जो कभी ऑर्गेनली होगी तो वो क्या होगी, अगर साइटोप्लाज्म में उसे नहीं मिक्स होना है तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी, मेम्ब्रेन की जरूरत होगी। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्ट करती है किससे भाई, बाहर के साइटोप्लाज्म से, प्रोटेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग। क्या सराउंडिंग करती है आप, साइटो सराउंडिंग क्या है, साइटोप्लाज्म है भाई, है कि नहीं है, साइटोप्लाज्म से करती है। अब आता है इसके, अब जो साइटोप्लाज्म हो गया, फिर ये आप ये देख पा रहे होंगे, ये पिंक पिंक जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्या हो गई भाई, इनर मेम्ब्रेन हो गई। क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या होता है भाई, जो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, उसे क्या कहते हैं, हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स हो गया फ्लूइड बिटवीन इनर मेम्ब्रेन, मैं इनर मेम्ब्रेन आई एम से कर रहा हूँ, एंड आउटर मेम्ब्रेन के जो बीच में जो फ्लूड होगा, ठीक है, जिसे हम, अच्छा फ्लूड को क्या बोल लो आप, माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूड बोल लो, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूड, माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूड बिटवीन द इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज मैट्रिक्स। एंड द व्हाट इज द क्रिस्टल जंक्शन, जो अब आप कहते हैं आपकी जो इनर मेम्ब्रेन आती है वो देख पा रहे होंगे, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज अ फोल्डेड फोल्डेड मेम्ब्रेन रहती है। और इस फोल्डेड मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जब ये फोल्डेड रहती है तो बीच में जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसे हम क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है ना, द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन बिटवीन द फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जो फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्रिस्टे जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लोगे अपने उसमें कि क्रिस्टे जंक्शन क्या हुआ, कि जो फोल्डेड आपकी फोल्डेड क्या होती है, आपकी फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये क्या करते हैं,
नहीं, हम क्रिस्टल जंक्शन बोलते हैं। अभी मैं उसके बारे में क्रिस्टल जंक्शन आपको और अच्छी तरीके से बताऊंगा। और इसमें क्या होता है, अपने खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अभी अपने यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डीएनए लिख दिया मैंने और ये राइबोसोम्स लिख दिया। अब जितनी भी प्रोसेस होगी इसके अंदर, है ना, डीएनए और राइबोसोम्स होगी। और डीएनए राइबोसोम्स बेसिकली दो चीजों के लिए जरूरत होती है। एक तो जो माइटोकॉन्ड्रियल होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर सकता है एज देयर नीड, ठीक है, अपने अपनी नीड के हिसाब से वो क्या करता है, खुद को जनरेट कर सकता है इसमें। और जो बताने वाली है इसमें, अभी क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी करता है। क्या करता है, एटीपी करता है। इसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती हैं, वो उतना ज्यादा डीप जाने की हमें जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। और मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ अब होता क्या है। नेक्स्ट चीज, प्लांट सेल और एनिमल सेल, वेट करते हैं अभी, मैं आपको एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख सकूँ। ओके ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, मैं क्या बता रहा था आपको, इसमें एनारोबिक एक देखो, अब देखो भाई, दो रेस्पिरेशन होते हैं। कैसे रेस्पिरेशन होते हैं, दो रेस्पिरेशन होते हैं। और रेस्पिरेशन कैसे होता है, दो टाइप का होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, यहीं पे कर लेता हूँ। एक होता है एरोबिक, बचपन में आपने सुने भी होगी, और एक होता है एनारोबिक। एनारोबिक में ये होता है कि जब क्या हो, हम फूड के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई के बिना, ऑक्सीजन मैं लिख यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, आप समझ जाएगा, ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन हम फूड को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। जब हम क्या, एनारोबिक क्या होती है, एनारोबिक वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, फूड को विदाउट विदाउट इसे ये बोल सकते हैं, एनारोबिक इज अ प्रोसेस इन विच फूड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ द, क्या बोल सकते हैं, एब्सेंस, ठीक है, ये एब्सेंट ऑक्सीजन, मैं डायरेक्ट लिख दूँ ऐसा, आप अपने उसमें लिख लीजिएगा कि एनारोबिक क्या होती है, जिसमें हम फूड को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में विद द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन का कोई भी यूज नहीं होता है। फूड, आप जब मैं बात करूँगा तो फूड मतलब ग्लूकोज होता है, आप समझ लीजिएगा, बिकॉज शुगर की सबसे, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी फॉर्म होगी शुगर या ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट करते हैं तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी किसमें होती है, एटीपी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। और उसके साथ जो रिलीज होते हैं वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज होता है, इस बात को ध्यान रखना। एरोबिक क्या होती है, जब हम फूड को ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं भाई, फूड को अब ऑक्सीजन के साथ हम कंबाइन करते हैं, और जब कंबाइन करते हैं फूड को ऑक्सीजन के साथ, तब हमें जो एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो एटीपी की फॉर्म में होती है, और साथ में क्या होता है, CO2 प्लस H2O क्या होता है, रिलीज होता है। अब एरोबिक और एनारोबिक में एक बात याद रखना कि जो एरोबिक में होती है, एरोबिक में जब हम क्या करते हैं, एरोबिक में हम फूड को ऑक्सीजन के साथ करते हैं, तो उसमें हमें मिलता है 38 ऑफ एटीपी, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के विदाउट, ऑक्सीजन के जब हम क्या करते हैं प्रोसेस को, जो भी फूड है उसके बाद बिना, हम क्या करते हैं एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज formed during the whole anaerobic process or anaerobic respiration, but जब हम aerobic respiration करते हैं तो 38 ATP करते हैं। और ये aerobic कौन करते हैं, हम humans करते हैं, याद रखना मेरे भाई, जो हम humans रहते हैं वो क्या करते हैं भाई, पूरी की पूरी क्या करते हैं, आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट करते हैं। एनारोबिक कौन करते हैं, ये आपको पता ही है कि बैक्टीरिया टाइप ये सब क्या करते हैं, आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और आपको पता ही होगा कि जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी घुस जाती है, तो आपकी बॉडी जो करती है, हेल्प करती है बैक्टीरिया को किल करने में, उसका यूज करती है, ऑक्सीजन का यूज करती है, बिकॉज ऑक्सीजन इज हार्मफुल टू द बैक्टीरिया, इवन द प्योर ऑक्सीजन इज ऑल्सो हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। अगर हम प्योर ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, या हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सॉरी, जब हम प्योर ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली इनहेल करते रहते हैं, तो दैट्स टू हमारे लिए क्या हो जाती है भाई, बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाती है। दैट्स अ हार्मफुल इफ वी इनहेल द प्योर ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्योर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होती है, डेंजरस होती है। उसी तरह ऑक्सीजन जो होती है वो भी क्या होती है, आपकी बैक्टीरिया के लिए करती है। तो आप बोलोगे कि सर हम तो अभी ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, लेकिन मेरे भाई ऑक्सीजन तो आप ले रहे हो लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं है, वो अभी यहाँ पे आप जब ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपके उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन जा रही है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। वो भी हम डिस्कस करेंगे, उस बात को समझे। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ होगी रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ से हम रेस्पिरेशन समझने के बाद फिर से प्लांट सेल का आ गया, वेट हम एक और स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम क्या समझे, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक एरोबिक प्रोसेस क्या करते हैं, रिलीज करती है, एरोबिक मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है, ये एटीपी क्या करती है, एटीपी हमारी एनर्जी बनती है। और ये प्रोसेस है क्या, मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या है, कि जब फूड, फूड का मतलब होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज जब क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के, अब ऑक्सीजन क्या, आप अपनी इनहेल करते हो ना, इस तरह इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी क्या करती है आपके, वो हम जब लाइव प्रोसेस होगी तब अच्छे से समझेंगे, अभी बस इतना समझे कि ऑक्सीजन कैसे आपके ब्लड में जाती है, ब्लड से आपके सेल्स में पहुंचती है, सेल्स से क्या होता है ऑक्सीजन कंज्यूम होती है फूड के, ग्लूकोज के साथ क्या करती है ऑक्सीजन ली जाती है, और ऑक्सीजन क्या जाती है एनर्जी, मतलब एटीपी की फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, और एनर्जी के साथ हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी वापस ब्लड में डाल देती है, और ब्लड वापस आता है, फिर ब्लड क्या करता है आपके पूरी की पूरी हार्ट में काम होता है, फिर वहां से आपके जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वो आपकी बॉडी क्या करती है, रिलीज कर देती है, ठीक है ना। वो सब हम बाद में बात करेंगे जब हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे होंगे कि एक्चुअली में है क्या, लेकिन आपको ये प्रोसेस जरूर याद रखनी है कि होता क्या है, C6H12O6 ये क्या है आपका, इसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, सबके सब याद रखेंगे। और जब 6O2 के साथ मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करती है, तो हमें क्या करती है, एटीपी फॉर्म होता है। एटीपी इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सो आप ये याद नहीं रखेंगे, एटीपी बस आप याद रखेंगे एटीपी पर कितने एटीपी, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं, और कितने, 6 क्या होता है, 6 by 6 O2 के मिलते हैं, 6 CO2 बाहर आ जाता है, और साथ में क्या आता है आपका 6 H2O क्या हो जाते हैं भाई, बाहर आ जाते हैं। ये आप बिल्कुल याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एरोबिक प्रोसेस होती है वो ज़्यादा बेनिफिट होती है एनर्जी की टर्म्स में, एनर्जी गिविंग के टर्म्स में, ठीक है ना। और वो भी मैं आपको, अच्छा वैसे ज़्यादा मुझे डीप बताना नहीं चाहिए, अभी थोड़ा सा मैं और बता सकता हूँ, इस पर बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा आप थोड़ा सा दिमाग और लड़ाएंगे, हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे भाई, जब आपका कुछ भी चीज़ है नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है, क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन किसमें भाई, एब्सेंट किसमें होगी, ये होगी आपकी प्रोकैरियोट्स में, क्या होगी, एब्सेंट होगी, याद रखना भाई मेरे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रोकैरियोट में जब माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो एनारोबिक प्रोसेस होना जायज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा तभी जाके एरोबिक प्रोसेस हो रही है। तो भाई यहाँ पे अगर आपको मैं बता दिया, मैंने आपको सब कुछ लिखवा दिया, डेनिस के अपने डीएनए राइबोसोम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्रिएट करने में, मतलब क्या होता है स्प्लिट करने में, माइटोकॉन्ड्रिया कितने भी माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए अंडर राइबोसोम्स, ठीक है ना। राइबोसोम्स आपको पता है क्या काम करता है, फोटोस सिंथेसिस ऑफ दी प्रोटीन का काम करती है, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ, याद आप याद रखेंगे। देखो भाई एक्चुअली में होता क्या है कि आपने बोला सर मैं अगर आपको बता दूं तो एक बार फिर से वापस इसमें ले चलता हूँ आपको, अब मेरी बात समझना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ, तो इसको जरा सा हटा देता हूँ यहाँ पे से। देखियो भाई यहाँ पे होता क्या है, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जहाँ पे ये आपकी ये बैंड हो रखी है, ये बैंड हो रखी है, यहाँ पे क्या होगा आपकी सारी की सारी लिक्विड होंगी, और जितने भी यहाँ पे क्या होता है केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस चलती है। और केमिकल रिएक्शन जब चलती है तो एक्चुअली में होता क्या है, जो परफेक्टली आपको मैं बताता हूँ कि जो आपका ग्लूकोज रहता है ना, जो ग्लूकोज रहता है आपका, वो पहले क्या करता है, अगर आप 10th की एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो जो ग्लूकोज रहता है वो डायरेक्टली किसमें चले जाता है, विदाउट, यहाँ पे सुन लेना मेरी बात, इसमें विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन और विदाउट एनी किसी चीज के जो ग्लूकोज रहता है, अब C6H12O6 होता है, ये किसमें कन्वर्ट होता है, प्यूरिक एसिड में, PYURVIC प्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब प्यूरिक एसिड क्या है भाई, ये कहता है जो आपका यहाँ पे क्या होती है प्रोसेस चलती है, केमिकल प्रोसेस चलती है, और केमिकल प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज रहता है 6H12O6 विदाउट नीडिंग, क्योंकि मैंने आपको ये बोला भी कि भाई आपको आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो प्रोसेस चलती है वो ये चलती है, जिसमें क्या होते हैं एरोबिक प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होती है जो ग्लूकोज होता है वो 6H2O के मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, फिर जाके 38 पे करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस बीच को मैं अगर और खोलूँ, मैं इसको और खोल के देख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जो C6H12O6 रहता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 है, तो ये क्या होता है डायरेक्टली विदाउट एनी विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन जो ग्लूकोज रहता है वो क्या होता है भाई ब्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें C3 होता है, क्या होता है C3H12O6 रहता है, और
C3 एस वेल। अब ये कहता है जो प्यूरिक एसिड को जब हम ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट करते हैं तब हमें मिलता है 38 ATP, है ना, प्लस ग्लूको सॉरी 38 PD प्लस 6H2O प्लस 6O2, इस तरह से मिलता है। तो लेकिन जो प्यूरिक एसिड होता है ग्लूकोज क्या करता है, यहाँ पे जो प्रोसेस चलती है उस प्रोसेस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया पहले ही क्या करता है, पहले ही ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है प्यूरिक एसिड में, और फिर बाद में आपकी ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन आती है तब जाके आपका ATP बनता है। ATP बनने के बाद क्या होता है आपका वाटर और क्या हो जाती है भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। वाटर को आपका क्या करता है बॉडी जो आपका ग्लूकोज रहता है वो थोड़ा बहुत यूज कर लेता है और अदरवाइज ये वापस भेज देता है, ठीक है ना, बॉडी से बाहर निकलता है। क्योंकि बॉडी ने आपको मैं बता दूं बहुत बॉडी ने मैंने आप लोगों ने पहले बता दिया तो मैंने आपको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ये सब चीजें बता चुका हूँ, तो आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कहाँ कैसे बॉडी के अंदर सब इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर पानी भर गया तो, अब पानी भर गया तो कैसे निकलेगा वो मैं सब बता दूंगा। जब क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन का चेंजमेंट होगा तो आपकी प्रोसेस अपने आप काम करनी पड़ेंगी, और वो कैसी होती है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो याद रखना। अब देखिए जब विदाउट जब तक विदाउट ऑक्सीजन है तब तक मतलब नो कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस, नो CO2 विल प्रोड्यूस जब तक ग्लूकोज क्या प्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये डायरेक्टली बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन है उस होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन O2 क्या करती है एंटर करती है प्यूरिक एसिड में तब ये होता है आपका ATP में आता है, ATP के साथ 6H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ आई होगी। तो अब इसके फंक्शंस की बात अगर मैं करूं तो इसका बेसिकली जो मेन फंक्शन है वही आपको याद रखना है, इसके फंक्शन तो वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन आपको याद रखना है वो क्या है आपका, इसका मेन फंक्शन है कि प्रोड्यूस प्रोड्यूस एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ATP की फॉर्म में क्या करता है जमा करता है, और ATP की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता, तो इसकी होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली, तो फिर ये कहता है ATP ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर क्या करते हैं आपको एनर्जी मिलती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो समझ गए आप माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको समझ आ गया, को अभी भी कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं उसकी आपकी वो करूंगा, ठीक है ना। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोक्सीसोम्स और ग्लाइसोसोम्स के बारे में बता देता हूं, ताकि मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं इसके बारे में, मतलब आपको पूरा हिंट दे दूंगा कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रोक्सीसोम्स और ग्लाइसोसोम्स होते क्या है, तो सबसे पहली चीज जो प्रोक्सीसोम्स होती है ये एनिमल और प्लांट सेल में दोनों में होता है, लेकिन जो ग्लाइसोसोम्स होती है उसे प्लांट सेल में होती है। और प्रोक्सीसोम्स क्या करती है, प्रोक्सीसोम्स क्या करती है किसी भी प्रोसेस को तेज करने के लिए, जो प्रोक्सीसोम्स होती हैं मैं बता देता हूँ, पेरिस प्रोक्सीसोम्स, जो प्रोक्सीसोम्स होती हैं ये क्या करती हैं आपकी किसी भी चीज को तेज करती है, करती है प्रोसेस को तेज करने के काम आती हैं, प्रोसेस को तेज करने के काम आती हैं। अब प्रोसेस को तेज काम करने का कैसे मतलब है कि जैसे भाई लीवर, लीवर क्या करता है आपका एंजाइम, आपको सुना आपने सुना होगा बाइल जूस, बाइल जूस आपने सुना होगा, बाइल जूस क्या करता है इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं आपका जो फूड रहता है उसको जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको कभी कब्ज कुब्ज हो जाती है तो कब्ज कुब्ज होने के लिए आपको क्या होता है बेस पिलाया जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा एंजाइम्स, सुना होगा आपने कभी, ठीक है ना। तो उसके होते हैं अब देखो भाई प्रोक्सीसोम्स क्या होते हैं, लीवर को तेज मतलब सॉरी प्रोसेस को तेज करने के लिए क्या होते हैं ये काम आते हैं, और काम आने के क्या आते हैं लीवर में, मोस्टली जैसे लीवर लीवर में होते हैं ये, लीवर में हो गया तो लीवर क्या करता है बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस में क्या होता है एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं फूड को जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है जो प्रोक्सीसोम्स होते हैं वो लीवर सेल्स में ज्यादा मोस्टली देखने को मिलते हैं, कि वो क्या करते हैं एंजाइम्स करते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं किसी भी चीज को प्रोसेस तेज करने, तो जिससे आपका फूड जो होता है वो जल्दी जल्दी क्या होता है डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, आपको इतना पता चला होगा, ठीक है। और बेसिकली जो प्रोक्सीसोम्स होते हैं वो किस में होते हैं भाई, वो होते हैं आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं, ये बात याद रखना, अब मेरी बात समझना, ठीक है ना। प्रोक्सीसोम जो होते हैं वो प्रोक्सीसोम जो होते हैं वो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प क्या करते हैं और चीजों में क्या करते हैं भाई, देखिए जब क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन में भी क्या करते हैं हेल्प करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन में भी क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है भाई, जो प्लांट रहता है आप उसकी लीव्स देखोगे तो उसकी लीव्स में क्या होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम स्टोमेटा, जहां से प्लांट क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन क्या सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है रिलीज करता है, लेकिन रात को ये उल्टी प्रोसेस कर देता है, रात को उल्टी प्रोसेस करना जरूरी है अदरवाइज उसका रेस्पिरेशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने रेस्पिरेशन में बताया दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं एनारोबिक और एरोबिक, और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ऑक्सीजन की जस्ट रिक्वायर है, इसलिए प्लांट
करते हैं, रात को ऑक्सीजन लेते हैं, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो प्रेक्सोसोम्स क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन में काम करता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है कि जब भाई CO2 की कम क्वांटिटी हो जाए। अब कम क्वांटिटी कब होगी भाई, कम क्वांटिटी होगी रात को। रात को क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कम होने के कारण ये क्या कर देगा, अपना स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज कर देगा। मतलब क्या हो, यहाँ से क्या हो, गैसे उड़ ना जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कम है वो उड़ ना जाए। इस वजह से क्या करता है, रात को अपना स्टोमेटा क्लोज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जब भी प्लांट को लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो गई है, तो जब क्या होगा, रात को क्या होगा, फोटो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कमी हो जाएगी, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज हो गया तो क्या हो जाएगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि कोई भी चीज लेना देना किससे होगा, स्टोमेटा से होगा, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो ये काम भी कौन करेगा, प्रेक्सोसोम्स करता है प्लांट सेल में। और क्या काम हो गया है इसका, और देखिए भाई, अब एक्चुअली में होता क्या, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके आपके लिए बहुत सारी जहरीली चीजें बनाती है, और उसको उसको कम करना, जैसे मैं बताता हूँ आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या होता है आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा जहरीला होता है हमारी बॉडी के लिए। और हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर आपकी बॉडी में बन गया तो आप क्या हो जाओगे, डेड हो जाओगे। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को कम करने के लिए जो काम करता है वो भी कौन करता है, प्रेक्सोसोम्स करता है। अब ये क्या करता है, अब इसको क्या करता है, अपने कैटलिस्ट, मैंने बोला पेरोक्सोम क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो किसी भी चीज को क्या करते हैं, तेज करते हैं या कम करते हैं। तो प्रेक्सोसोम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करते हैं, ये अपना एंजाइम यूज करते हैं, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर बनता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, वाटर में, H2O प्लस ऑक्सीजन में रिलीज कर देता है अपना एंजाइम यूज करके, जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे बहुत जहरीला हो गया, उसको अपना एंजाइम यूज करके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना भाई। और अगर 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 इसी वजह से क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसी जैसे चीजें बनने लग गई, सपोज आपकी बॉडी में कम बन रहा है, परऑक्सीसोम्स कम बन रहे हैं और कम हेल्प कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपके ग्रे हेयर, आपने देखा होगा लोगों के क्या हो जाते हैं, ब्राउन बाल हो जाते हैं, ग्रे हेयर हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि जो परऑक्सीसोम्स होता है वो कम प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, परऑक्सीसोम कम प्रोड्यूस होते होते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये आपके ग्रे क्या होते हैं, भूरे बाल होना शुरू हो जाते हैं, बाल कलर चेंज होना शुरू होता है, इस तरह से चीजें होती है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बनते हैं। और होप सो यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। और ग्लाइक्सोसोम्स के बारे में हम अगली बार बात करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ग्लाइक्सोसोम्स और प्रोकैरियोटिक एनिमल सेल हम अगली वाली वीडियो में जरूर कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह एजुडो के साथ जुड़े, और प्लीज अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, बिकॉज इट गिव अस अ मोटिवेशन, और आपको भी जिस तरह से मोटिवेशन मिलती है उसी तरह हमको भी मोटिवेशन मिलती है, और जुड़े रहे एजुडो के साथ।